रामनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान रामनगर के रतनपुरवा निवासी रियाज अंसारी उर्फ गोलू पिता इशहाक अंसारी की पीट पीट कर हत्या किया गया। मृतक के पिता ने बताया कि मामले में 2 नामजद व 4 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्रभारी SDPO अर्जुन प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले में अनूप व अनुज यादव दोनों पिता सुरेंद्र के साथ 4 अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। काल शाम में छोट छोट लड़का हमारे लगे दौड़ल गोलस कॉलस जो गोलू अंसारी गोलू भैया के सुरेंद्र यादव के लड़का मारा तार सम बाउंड्री में घेर के जब हम गई नहीं तो देखा तो सुरेंद्र यादव के लड़का अपना बाउंड्री में डांटा से मार के माने हमारे लड़का के पटवा दिल रहे। हम लोग निहरापति ऐसे जहाँ हमारे से बरियार बोलो हम बनियो बड़ आदमी गरीब तो कहनी बाबू छोड़ दो जहाँ हमारे लेकर मान लीजिए लेकर रहे तो हमारे छपबे कहीं नहीं जाता मर जाए काहे मारता रहेगा। मार्च 2023 को करीब रात्रि 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक की मारपीट में के बाद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर रामनगर पुलिस अस्पताल गई और पता करते हुए आगे पता किया तो पता चला कि रियाज अंसारी उम्र करीब 25 वर्ष पिता इशहाक अंसारी शाकिन रतनपुरवा थाना रामनगर कल दिन में 3 बजे के आसपास अपना घर रतनपुरवा आए थे साइकिल से नाश्ता करने खाना खाने। तो जब खाना खाकर लौट रहे थे तो सुरेंद्र यादव के 2 पुत्र अनुज यादव और अनूप यादव अन्य 3-4 लड़कों के साथ उन्हें पकड़ करके अपने कैंपस में ले गए और मारपीट किए।